हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी ड्राफ्ट के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं डंकी मूवी का रिव्यू। डंकी आप में से अब तक कुछ लोगों ने देख ली होगी, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी। जिन्होंने देख ली है उनसे मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज कमेंट करके बताइए, हम देखते हैं हमारी राय आपस में मिलती है या नहीं, आपको फिल्म पसंद आई नहीं आई, क्या लगता है आपको फिल्म के बारे में, कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि अगर दूसरे दर्शकों को पहले ही पता चल जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि उनके पैसे बच सकेंगे या शायद पैसे लगाकर उन्हें फिल्म देखने जाना चाहिए। तो कमेंट करिए। और हाँ प्लीज, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब आते हैं डंकी मूवी पर। क्या डंकी इस साल की बेहतरीन फिल्म है? क्या शाहरुख की जो अब तक दो फिल्में रिलीज हुई जवान और पठान, उनसे ज्यादा बेहतर है डंकी? क्या राजकुमार हिरानी की करियर की ये बेस्ट फिल्म है? दोनों सवालों का जवाब है नहीं। डंकी फिल्म एक बहुत अच्छी थीम पर बनाई गई फिल्म है जिसका ट्रीटमेंट बहुत ही साधारण है, बहुत ही सतही है। बहुत अच्छा थीम लिया गया डंकी रूट के थ्रू, जो नौजवान विदेश जाने का रास्ता लेते हैं, उसके बाद उनका क्या होता है, उस रास्ते में क्या होता है, ये थीम बहुत अच्छी थी, ये समस्या बहुत अच्छा, विषय बहुत अच्छा था। लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट किया गया, इस पर जो फिल्म बनाई गई 3.25 घंटे की, उसमें वो बात नहीं आती है और आपको अंत में लगता है कि हम ये फिल्म क्यों देख रहे हैं। आखिर में फिल्म कहना क्या चाहती है, क्योंकि सारा तड़का इसमें डाल दिया गया है। इसमें एक विषय लिया गया जो बहुत सीरियस है, इसमें लव सीक्वेंस है, इसमें एक्शन सीक्वेंस है। फिल्म में सब कुछ डालने के चक्कर में क्या हुआ है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि राजकुमार हिरानी करना क्या चाहते थे। राजकुमार हिरानी से ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, और खासतौर से जब शाहरुख खान उनके साथ थे तो दर्शकों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और अपेक्षाओं पे पानी भर भर के डालने का काम किया है डंकी मूवी ने। डंकी में आपको शुरुआत में 90s की ये पीरियड लिया गया है। 90s में पंजाब के कुछ युवा हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, इंग्लैंड जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वहां जाकर वो अपना ज्यादा अच्छा भविष्य बना सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं और अपने जो घर की मुसीबतें हैं, गरीबी है, इन सबसे उभर सकते हैं। कहीं भी इसका दूसरा सॉल्यूशन नहीं बताया गया कि भारत में रहकर भी वो ऐसा कर सकते हैं, विदेश जाकर क्या होता है, उसको बहुत ही हल्के अंदाज में दिखाया गया है। असलियत क्या है, उस असलियत को बहुत ही हल्के अंदाज में दिखाया गया है। फर्स्ट हाफ बहुत ही ढीला है। जो डंकी रूट की बात हो रही है, डंकी रूट किसे कहते हैं? डंकी रूट जिन्हें वीजा नहीं मिलता है और अवैध तरीके से जो विदेश जाते हैं विभिन्न कंट्रीज से होते हुए और गलत तरीके से जो विदेश पहुंचते हैं, उसको कहते हैं डंकी रूट। डंकी रूट से जाने में क्या मुसीबतें आती हैं, डंकी रूट से विदेश पहुंचने पे क्या मुसीबतें आती हैं, इनका बड़ा ही हल्का ट्रीटमेंट किया गया है, जो कि बहुत सीरियसली दिखाया जाना चाहिए था। फर्स्ट हाफ सिर्फ किरदारों को एस्टेब्लिश करने में रह जाता है और डंकी रूट की बात फर्स्ट हाफ तक नहीं होती है। इंटरवल के पहले तक आप सोचते रहते हैं कि इंटरवल हो जाए तो शायद मूवी आगे बढ़े। अगर ये फिल्म 90 के दशक में रिलीज हुई होती तो शाहरुख खान का जलवा अलग होता और शायद उस समय के दर्शकों को ये फिल्म जरूर पसंद आती, क्योंकि आज के दौर में एनिमल और सालार जैसी फिल्मों के बीच इतनी स्लो फिल्म को शायद दर्शक पसंद ना करें। शाहरुख के फैंस जरूर इस फिल्म को देखने जा रहे हैं, लेकिन जब वो हॉल से निकलते हैं तो एक निराशा उन्हें होती है कि फिल्म में वो बात नहीं है। शाहरुख का जलवा जरूर दिखा है, रोमांटिक वाला भी, एक्शन वाला भी, लेकिन जवान और पठान वाली बात नहीं है। जवान और पठान के चक्कर में क्या हुआ है कि एक सॉफ्ट फिल्म में भी एक्शन सीक्वेंस डाले गए हैं और कहीं पे वो गोलियों से बचते हुए निकल रहे हैं, कहीं वो गोलियां चलाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी सीन एस्टेब्लिश नहीं होता है, उसकी जरूरत समझ में नहीं आती है। आजकल जिस तरह की फिल्में रिलीज होती हैं उसमें एक बड़ी समस्या होती है कि बच्चों के साथ आप कोई मूवी देखने नहीं जा सकते हैं। ऐसे में डंकी एक फिल्म है जो छोटे बच्चों के साथ हॉल में जाकर देखी जा सकती है, अगर वो बच्चे सॉफ्ट स्टोरीज पसंद करते हैं, हल्की फुल्की फिल्में पसंद करते हैं। फिल्म बहुत ही साफ सुथरी है, बच्चों के साथ देखी जा सकती है, लेकिन हाँ 3.25 घंटे तक बैठे रहना बहुत मुश्किल है। फिल्म में एक्टिंग की बात करें तो शाहरुख खान नो डाउट चार्मर साबित होते हैं। इमोशन एंड रोमांस में उनका कोई जवाब नहीं है, बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली यंग वर्जन में भी, ओल्ड वर्जन में भी। ओल्ड वर्जन में वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और अगर तापसी पन्नू की बात करें, तापसी पन्नू बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस है, लेकिन राजकुमार हिरानी उनसे ना उस तरह का काम नहीं करवा पाए हैं। वो हर जगह ऐसा लगता है कि बहुत प्रेशर में है, शाहरुख खान के साथ काम करने का प्रेशर है या उनके लेवल को छूने का प्रेशर है, जो भी है। विकी कौशल ने बेहतरीन एक्टिंग की है, लेकिन जब हम तापसी पन्नू की बात करते हैं तो वो पंजाबी कुड़ी का
जो रोल है वो करते करते ना थोड़ी सी कमजोर लगी उनकी बाकी फिल्मों की तुलना में, वो मुझे इस फिल्म में थोड़ी कमजोर लगती हैं एक्टिंग के मामले में। और स्पेशली जब वो एक 50 साल की औरत का किरदार जब निभाती हैं सेकेंड हाफ में, तो उसमें वो काफ़ी कमज़ोर लगती हैं उस एक्टिंग के दौरान। जबकि सांड की आंख मूवी में जब उन्होंने एक वृद्ध महिला का किरदार निभाया था तो वो ज़्यादा पावरफुल दिखी थी, लेकिन इस फिल्म में वो थोड़ी एक्टिंग के मामले में हल्की पड़ती हुई दिखती हैं। बाकी अभिनेता इसमें अच्छा काम किया है, एक्टिंग अच्छी है, लेकिन फिल्म की कहानी कमज़ोर होने की वजह से पूरी फिल्म बिखरी हुई सी लगती है। डंकी में थोड़ा सा देशभक्ति का तड़का भी है, जब एक फौजी अपने प्यार को भी छोड़ देता है क्योंकि वो अपने देश के खिलाफ ये नहीं कह सकता है कि उसे अपने देश में खतरा है। ये बात दर्शकों को बहुत पसंद आती है। हॉल में खूब सीटियां बजती हैं जब शाहरुख खान मना कर देते हैं और भारत लौट आते हैं, वो अपने प्यार को भी छोड़ देते हैं। तो ये जो देशभक्ति का छोटा सा सीक्वेंस आता है वो दर्शकों को काफ़ी पसंद आता है। फिल्म में तापसी पन्नू अपने प्यार को छोड़ देती हैं विदेश में रहने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, लेकिन जब 25 साल बीत जाते हैं तो एहसास होता है कि जिस घर को वो बनाने की बात कर रही थी वो तो कहीं भारत में छूट गया और असाइलम लेने की वजह से वो अब भारत लौट नहीं पा रही हैं। तो ऐसे में फिर से उन्हें अपने पुराने प्यार की याद आती है और उससे वो मदद मांगती हैं और फिर भारत लौटने के लिए दोबारा से डंकी रूट लेने की ज़रूरत दिखाई गई है। फिल्म के गानों की अगर बात करें तो लुटपुट गया बहुत अच्छा गाना बन पड़ा है, लोगों की जुबान पे चल भी रहा है, लेकिन बाकी म्यूजिक मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे वक्त तक याद रहेगा, ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। कुल मिलाकर डंकी को मेरी तरफ से 2 स्टार बड़ी मुश्किल से मैं दे पा रही हूँ। और आप कॉमेंट करके बताइए, अगर आपने फिल्म देख ली है तो बताइए कि फिल्म कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। और वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।